हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम अगस्त मंथ की जो अपनी विजन आईएएस की मैगजीन है उसको कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी को, गवर्नेंस को कवर किया, उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस को भी कवर किया। फिर आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी को। चलो फिर कवर करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, इकोनॉमी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए हमें पता है कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट? हमेशा ये तो अथॉरिटी रहती है कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो चलो फिर इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है, इस बार हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, आपका काम और आसान करने की कोशिश की है। क्या किया है मैम आपने? अच्छा, बताते हैं। तो हमने क्या किया है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कर पा रहे हैं, जो न्यूज़पेपर को कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, राइट? तो आप जो हैं न्यूज़पेपर कवर कर नहीं पा रहे हैं। बट जब आप मैगज़ीन को पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं फिर समझ आता कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये न्यूज़ में था भी या नहीं था, राइट? मैगज़ीन पर आपको इतना ट्रस्ट नहीं हो पाता, आप उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर, किस मुद्दे पर ये जो है ये टॉपिक चर्चा में था। तो इसी प्रॉब्लम को अब हमने सॉल्व किया है। कैसे? चलो दिखाते हैं कैसे। देखो पहले, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, पहले हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, इसको समझ पहले ये चीज़ देखो, ये है हमारी क्रिएटिविटी आपके लिए। क्या किया गया है कि अब जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे मैगज़ीन में, उसको आप ये देख पाएंगे कि हाँ ये जो टॉपिक है सच में ये था न्यूज़ में, राइट? तो ये देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी मैगज़ीन जो है वो पिछले मंथ की है, राइट? अगस्त की मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वन मंथ एगो हम देख रहे हैं कि हाँ एक महीने पहले ये चीज़ चर्चा में थी। और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने या फिर एक ही वेबसाइट ने इसको कवर नहीं किया है, बहुत सारी वेबसाइट्स ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कवर किया है। जैसे कि हम मिंट की बात करें, बिजनेस टुडे की बात करें, द हिंदू ने भी इस चीज़ को कवर किया कि जो मूडी है उसने इंडिया की जो रेटिंग है वो रखी है BAA3। ठीक है, तो ये रेटिंग जो है दी है और कहा है कि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। तो ये चीज़ आपने, अब जब ये चीज़ देख ली कि हाँ ये जो टॉपिक है वो चर्चा में था, अब इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। चलो अब पढ़ते हैं भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो क्यों न्यूज़ में है ये तो हमें पता चल ही चुका है कि हमारी जो मूडी है उसने क्या किया है कि इंडिया की रेटिंग दी है BAA3। ठीक है, तो हमारी ये रेटिंग दी है और कहा है कि जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कैसी है, स्टेबल है। चलो और अगर हम चर्चा करें तो जो दूसरी रिसर्च है उन्होंने ये शो किया है कि इंडिया का जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकता है। मतलब अभी तो हमारी रेटिंग क्या है, BAA3, बट ये कहा जा रहा है, जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो हमारी रेटिंग है, हमारी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है। अब मुद्दा ये आता है कि भाई डाउनग्रेड हो सकती है, बट क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड होगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके इम्पैक्ट की वजह से, और जो टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज हो जा रहा है, कभी हम देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा था, जो टेम्परेचर में इनस्टेबिलिटी आ चुकी है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। और एज अ रिजल्ट होगा क्या, रिजल्ट तो यही होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी। एक दूसरा रीज़न भी दिया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से हमारी रेटिंग क्यों डाउनग्रेड होगी। तो रीज़न ये बताया गया कि जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है वो हो तो रहा है इंडिया में, ठीक है, बट क्या हो रहा है कि इसमें बहुत डिले हो रहा है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है बट काफ़ी डिले हो रहा है, इस डिले की वजह से हो सकता है कि हमारी जो इंडिया है इसकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई काम तो हमें करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है
रहा है तो उससे हमें मिटिगेशन करना पड़ेगा, प्रिवेंशन करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। और इस तैयारी के चक्कर में क्या होगा कि भैया पैसा लगेगा। अब जो पैसा लगेगा, हमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो हमें उधार लेना होगा। तो वो जो उधार हम लेंगे उससे हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, डेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। सॉवरेन रेटिंग्स जो हैं ये क्या करती हैं ये भी समझ लो। तो सॉवरेन रेटिंग्स क्या करती हैं, ये देखती हैं कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। समझो इस बात को, जैसे कि अगर आपका फ्रेंड जो है, दो फ्रेंड हैं, उन्होंने आपसे बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, ऐसा कर तू मुझे 100 रुपये दे दे। तो अब तो आप क्या करोगे, आपको पास में 100 रुपये ही हैं, आप किसी दो में से एक को ही रुपए दे सकते हो। तो आप देखोगे कि भाई किसकी हालत ज़्यादा अच्छी है, कि कौन आपके पैसे वापस कर पाएगा। कि हाँ भैया एक पर्सन जो है वो 100 रुपये आपसे मांग रहा है, बट हाँ आपको पता है कि उसके जो फादर हैं वो उसको हर मंथ पैसे भेज देते हैं और वो मंथ जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट मन तो फिर उसके पास में पैसे होंगे, वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा। बट दूसरा फ्रेंड ऐसा है जिसके पास में पैसे का कोई अता पता नहीं है, आपको नहीं पता वो पैसे देगा भी या नहीं देगा। तो आप किसको प्रेफर करोगे पैसे देना, ऑब्वियसली उसको जो आपको रिटर्न कर पाए। तो ये चीज़ क्या की, ये वही काम आपने किया है जो यहाँ पर ये मूडी ने किया है। मतलब क्या कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये यही देखती हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि उनका हालात कैसे चल रहे हैं, क्या वो जो उधार उन्होंने पैसा लिया है या फिर जो लेने की वो सोच रहे हैं, क्या उनके पास में इतना उनके पास में इतने सोर्सेस हैं कि उस पैसे को जो उधार लेंगे उसको पे कर पाएंगे दोबारा से, उसका रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं। यही चीज़ को एक्सेस करता है कौन, हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है इसको 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या किया है, असेस किया है कि इंडिया जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखा है 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने। देखो भाई जो ये एजेंसीज हैं ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं है कि आप बोले भाई मूडी, बस मूडी ही है बाकी कोई और एजेंसी नहीं है, नहीं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सिमिलर काम कर रही हैं। तो इसमें हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग तरीके से निकाल कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 एजेंसी जिसने हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको असेस किया है, उसमें पहली है S&P, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंड पुअर, सेकंड हमारी मोडी है और थर्ड हमारी जो एजेंसी है दैट इज फिच, ठीक है। तो 3 जो एजेंसीज हैं उन्होंने अभी क्या किया है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को निकाल कर दिया है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट हमारी है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, ना केवल इंडिया मतलब किसी भी कंट्री की अगर आप बात करो तो हम कैसे देखते हैं, क्या क्राइटेरिया रखते हैं किसी भी कंट्री को उसकी रेटिंग देने के लिए, हम क्या क्राइटेरिया रखते हैं, हमारी एजेंसीज जो हैं ये क्या क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल रिस्क को, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क मीन्स कि भाई वहाँ पर जो सरकार है वो कितनी स्टेबल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज ये सरकार है कल देख रहे हैं कि भाई कू हो गया है दूसरी सरकार आ गई, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है। सेकंड टैक्सेशन देखा जाता है, भाई टैक्स की क्या वहाँ पर कितना टैक्स आ रहा है, लोग टैक्स देते भी हैं कि नहीं देते हैं, सरकार कितना टैक्स लेती है, टैक्स बेस कितना है, किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। थर्ड करेंसी की वैल्यू देखी जाती है, जैसे कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू देखते हैं ना कि भाई हमारा जो करेंसी है वो डॉलर के टर्म में कितना पहुँच गया है, अच्छा यूरो के टर्म में कितना पहुँच गया, तो इस तरीके से करेंसी की वैल्यू भी देखी जाती है। लेबर लॉज को भी देखा जाता है, जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया में कई सारे लेबर कोड आ चुके हैं, ठीक है, कि भाई मिनिमम वेज कितनी लोगों को देनी है, कि वहाँ पर कितने घंटे लोग काम कर रहे हैं, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, किस तरीके से जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं, वेज कितनी दी जाती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखकर ये रेटिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और क्या देखा जाएगा, और देखा जाएगा सॉवरेन रिस्क को, मतलब कि जो कंट्री है हमारी, ठीक है, जो कंसर्न कंट्री जिसकी हम रेटिंग निकाल रहे हैं, वहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं उसको चेंज कर पा रही है, ठीक है। तो क्या कर पा रहे हैं कि जो फॉरेक्स है हमारा, फॉरेक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे चेंज कर पा रही है, ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख ही ली है हमने।
नेक्स्ट देखें बात करें तो अब हमने ये देखो सॉवरेन रेटिंग्स से समझ ली क्या होती हैं, पूरी कथा जानी कि भाई कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सब वो निकालते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल एजेंसी जैसे हमारी मूडी है, फिच है, S&P है, ये जो एजेंसीज हैं ये हमें जो रेटिंग्स देती हैं ना, अब ऐसा नहीं कि उन्होंने रेटिंग दी और हम बहुत खुश हो गए कि अरे भाई हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को निकाल दिया और हम बहुत खुश हैं, नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ जाते हैं। क्या क्या इश्यूज आते हैं चलो जानते हैं। पहली चीज़ है हिस्टोरिकल एनोमली, ठीक है, कि कुछ कमियां जो हैं वो बहुत पहले से चली ही आ रही हैं। चलो जैसे कि अभी क्या हुआ, S&P और फिच जो है उन्होंने इंडिया को क्या किया है, BBB ये रेटिंग दी है, वहीं पर मूडी ने क्या किया है, BAA3 ये रेटिंग दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया तो एक ही है ना भाई, इंडिया एक ही है, इंडिया की इकोनॉमी भी एक ही है, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक ही चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक जो दो हमारी जो एजेंसीज है वो कह रही है कि इंडिया की रेटिंग है BBB, वहीं पर एक तीसरी आ रही है वो कह रही है नहीं नहीं इंडिया की रेटिंग है BAA3, ऐसा कैसे हो सकता है जब एक ही इंडिया है, इंडिया की सारी कंडीशंस भी सेम ही हैं, सारा कुछ सेम है, तो फिर ये रेटिंग कैसे अलग हो गई, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। अब आपसे पूछा जाए भाई बताओ इंडिया की रेटिंग कौन सी है, ठीक है, तो आप कौन सी बताएंगे, क्योंकि दो रेटिंग आपके पास में आ गई, किस बेसिस पर आप कौन से रेटिंग को सही बोलेंगे, कौन सी रेटिंग को गलत बोलेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। और ये रेटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ये रेटिंग क्या करी गई, हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2020 का था उसने बताया कि हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसकी इतनी लो रेटिंग दी गई हो, बट जब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई तो हमें इतनी कम रेटिंग दे दी गई है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो एक दिक्कत तो ये हो गई, नेक्स्ट दिक्कत क्या है, भी कौन सी दिक्कत आती है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं, जैसे कि जो इश्यूअर पे मॉडल जो है, जहाँ पर क्या बात होती है, देखो इश्यूअर पे मॉडल में कमी है, बट अब हमें ये जानना होगा ना कि ये इश्यूअर पे मॉडल क्या है, चलो पहले ये जाने, तो यहाँ पर ये होता है कि जो एंटिटी है वो क्या करती है, रेटिंग एजेंसी को पे भी करती है अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है, इससे क्या होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, समझ में आया क्या, नहीं नहीं बिल्कुल समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। देखो अब जैसे कि ईश्वर पे में क्या होता है कि एक जो एजेंसी है इसने क्या किया, इस कंट्री की रेटिंग निकाली, तो ये कंट्री क्या कर रही है, इसको पैसे भी दे रही है कि आपने हमारी कंट्री की रेटिंग निकाली तो ये लो पैसा लो, आपने जो हमें सर्विस दी उसका पैसा लो, ठीक है। अब जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं अपनी ही रेटिंग निकलवाने के लिए, तो आप ज़्यादा पैसे देकर अपनी रेटिंग अच्छी भी तो करवा सकते हैं ना, तो ये जो करप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये भी दिक्कत देखने को मिलती है कि भाई किसी ने आपकी रेटिंग निकाली, आप उसको पैसे दे रहे हो, तो फिर जब पैसा उसको मिल रहा है जिस एजेंसी को, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपकी रेटिंग सुधार भी तो सकता है, राइट। नेक्स्ट है कि रेटिंग्स जो है वो इंडिया के फंडामेंटल को ध्यान में रखते ही नहीं, ठीक है, इंडिया के फंडामेंटल्स जो हैं उसको ध्यान में नहीं रखते कि इंडिया जो है उसकी विलिंगनेस, इंडिया चाहती है कि वो पे करेगी, बिना किसी क्वेश्चन करते हुए भी वो पे कर देगी, बट फिर भी इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपना जो भी डेट है उसको पे करती है, हमेशा हिस्ट्री से अभी तक देख लो कि हर डेट जो इंडिया ने लिया है उसको पे किया है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखा ही नहीं जाता। इंडिया का तो कोर फंडामेंटल ही यही है कि हम जो है हर काम अच्छे से करेंगे भाई, कि अगर किसी से उधार लिया तो उसको पे करेंगे, राइट। तो अब जब हम उसको पे करेंगे और हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी रेटिंग इतनी कम क्यों है, हमारी रेटिंग क्यों डाउनग्रेड की जा रही है, जबकि हमारा फंडामेंटल ही है कि हम हर अपने डेट को पे करेंगे, तो यहाँ पर ये दिक्कत भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा खासा है, ठीक है, फॉरेक्स हमारा अच्छा खासा है, बट फिर भी उस फॉरेक्स का साइज़ नहीं देखा गया और हमारी रेटिंग जो है वो कम कर दी गई है। और उसके बाद में एक बात और भी देखने की है कि जो FDI है, सबसे ज़्यादा FDI हमारी इंडिया में मिलती है, हमारे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा FDI आती है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि FDI भी सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, रेमिटेंसेस भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इतना सब कुछ आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को क्यों ध्यान में नहीं रखा जा रहा है ये रेटिंग्स देते हुए, तो ये जो है क्वेश्चन अराइज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि बायसनेस भी देखने को मिलती है, जो हमारी रेटिंग्स हैं, ठीक है, जो एजेंसीज हैं, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो क्रेडिट रेटिंग्स को प्रोवाइड करती हैं, वो कुछ कंट्रीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाती है, ये भी हमें देखने को मिला है,
ठीक है। नेक्स्ट है कि एक स्टडी जो है उसने ये हाईलाइट किया है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हायर रेटिंग देती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर जो हमारी लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी, चाहे भले ही उन्होंने कितने अच्छे से पेमेंट करा हो हमेशा पिछले अपने डेट्स में, बट फिर भी उनकी रेटिंग को ये डाउनग्रेड ही कर देती हैं। तो ये बायसनेस भी देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रो साइक्लिक नेचर है क्रेडिट रेटिंग्स का। इससे क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये रेटिंग ऐसे देते हैं, पहले किसी की अच्छी रेटिंग दी, फिर उससे डाउनग्रेड की, उससे डाउनग्रेड की, फिर बिल्कुल डाउनग्रेड करी, फिर ऊपर उठाना शुरू करेंगे रेटिंग को, इस तरीके से ही काम करते हैं। तो इससे और क्राइसिस फैल सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि कंप्लीट रेगुलेटरी है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है। ये जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो डिसीजंस ये लेती हैं, किस तरीके से इन एजेंसीज ने डिसीजन लिया है, ये भी बिल्कुल प्रूव नहीं हो पाता, ये भी बिल्कुल शो नहीं हो पाता, और ये जो है काफ़ी बड़ी दिक्कत प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग्स है इसका क्या रोल होता है, क्यों हम इतनी देर से चर्चा करे जा रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग ये होती है, ये एजेंसी है, ये हो गया, वो हो गया, हम क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्यों, इसका रोल क्या है, चलो समझ लेते हैं इसका रोल क्या है। तो रोल ये है कि हमारे इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि भाई आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपका कितना रिस्क है। जैसे कि अगर किसी ने 100 रुपये किसी को दे दिए हैं तो उसका कितना रिस्क है, वो 100 रुपये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चीज़ अश्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये बताता है, एंटिटीज़ को एनकरेज करता है कि भाई आपकी रेटिंग हमने अच्छी दी है तो आप ऐसा किए अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखिए, हमें उम्मीद है कि आप अपना पैसा जो है टाइम पर रिटर्न करेंगे। तो जो कंट्रीज जिन्होंने पैसा लिया है वो क्या करती हैं, टाइम पर रिटर्न भी करती हैं। नेक्स्ट बताते हैं कि जो बोरोअर है वो कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है, किस लेवल पर कितना परसेंटेज ऐसा रहता है कि हाँ वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, कितना चांस ऐसा है। तो ये डिफ़ॉल्ट करने का जो चांस है ना वो भी पहले से ही डिपिक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बॉन्ड सेल करने में भी ये मदद करता है। तो ये कुछ रोल हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग फॉर्म्स हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, क्योंकि हमने जाना कि ये जो क्रेडिट रेटिंग फॉर्म्स होती हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ढंग से कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, और इस वजह से भी कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको कौन करता है देखभाल, इनकी कौन रेगुलेट करता है इनको, तो इनको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, कोई एक्ट है जिसके अंडर इनको रेगुलेट किया जाता हो? हाँ बिल्कुल, एक्ट है द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999। ठीक है, तो अगर इंडिया में बात करें, इंडिया की खुद की कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो इंडिया के पास में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। नाम जिनके हैं, क्राइसिल, केयर, इकरा, एक्यूट रेटिंग्स, ब्रिक वर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारी जो हमारी एजेंसीज हैं ये बस एक ही काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं ये, कि जो ये क्रेडिट रेटिंग्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको ये एम्पावर करती हैं। कैसे एम्पावर करती हैं, क्या उनको जाकर वेपन्स दे देती हैं हाथ में कि भाई लो तुम्हारे लिए मैं एक बॉम्ब लेकर आया हूँ, ये लो अब तुम्हारे पास बॉम्ब है तो तुम बहुत पावरफुल हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये टाइमली इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देती हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है उसके दम पर वो अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, और उनका इससे क्या होता है, उनकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो सुधरती है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मार्केट ग्रो होती है और इफिशियंट रहती है। उसके बाद में हम इंडिविजुअल या कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को भी जान सकते हैं। तो ये सारे काम किए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ जाना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो तो आपको पता है, ठीक है, आपने बैंकिंग पढ़ा होगा, बैंकिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें CRR, SLR ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन
ये ICRR क्या होता है, ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, चलो इसको जानते हैं। बट क्या ये टॉपिक ऐसे ही तो नहीं आ गया मैगजीन में, क्या ये न्यूज़ में था? चलो इसको देख लेते हैं कि हाँ ये न्यूज़ में था या नहीं था। बिल्कुल ये टॉपिक न्यूज़ में था पिछले महीने ही, देखो 1 month है वो है, ठीक है। द हिंदू में ये पब्लिश हो चुका है जिसमें बताया गया कि क्या है लिक्विडिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स ने भी इसको कवर किया, जैसे वीक्यू प्राइम ने इसको कवर किया है, मनी कंट्रोल ने इसको कवर किया है, और ये तो कुछ ही वेबसाइट्स हैं, बल्कि अगर हम लिस्ट खोलेंगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है। तो मतलब हाँ ये टॉपिक था तो काम का, क्योंकि ये करंट अफेयर में रहा है। चलो अब ये चीज़ तो संतुष्टि हो गई कि हाँ हम ठीक चीज़ पढ़ रहे हैं, अब चलो कवर कर लेते हैं इसको। तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि RBI ने बैंक से कहा है, जितनी जो हमारे बैंक्स हैं उनसे कहा है कि एक इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना है, ठीक है। 10% का CRR जो है और ICRR इनको मेंटेन करना है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखो तो क्या होता है कि हमारी जो बैंक्स हैं, इसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है कि बैंक्स जो है ना वो उनसे RBI क्या कहता है, RBI कहता है कि एक अमाउंट जो है अपने पैसे का, ठीक है, जो आपके पास में जितना फंड आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, ठीक है, पर्टिकुलर परसेंटेज आपको क्या करनी है RBI के पास में कैश के फॉर्म में सबमिट करनी है, डिपॉजिट करनी है, मेंटेन करके रखनी है। ये होता है हमारा CRR, ठीक है। तो ये तो लेमैन लैंग्वेज में समझ लिया, अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स में समझे। तो टेक्निकल टर्म्स में बात करी गई है कि ये क्या होता है, बैंक्स का NDTL जो है, NDTL का एक पार्ट होता है जो कि RBI के पास में मेंटेन किया जाता है एज अ रिजर्व। और ये सब जो जितना भी ये जो पैसा RBI के पास में जमा किया जाता है वो कैश फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये NDTL क्या होता है, चलो पहले NDTL को समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। क्या होता है ये कहता है कि कितना डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड और टाइम लाइबिलिटी जो डिपॉजिट की गई है बैंक के पास में, और कितनी डिपॉजिट्स जो हैं जो एसेट के रूप में दूसरे बैंक के पास में हैं, उसके बीच का डिफरेंस क्या है NDTL होता है, ठीक है। क्या होता है NDTL, कि जो हमारा डिमांड यानी कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, यानी कि अगर हम बात करें तो हम अपने बैंक में क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, FD करवाते हैं। तो सेविंग और करंट अकाउंट क्या है कि जब हम डिमांड करेंगे हमको पैसा मिल जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट। FD क्या है कि हमने कह दिया भाई 10 साल की FD करवानी है, यानी कि 10 साल पूरे होने पर ही हमको पैसा मिलेगा, तो ये हो गया टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो टोटल है सेविंग, ठीक है, करंट, FD, ये जो है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इनका टोटल कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ में बैंक के किसी और बैंक के पास में जो उसके दूसरे एसेट्स रखे हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो NDTL होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा NDTL क्या होता है। तो NDTL का कुछ शेयर जो हम कैश के फॉर्म में RBI के पास में रखते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। तो RBI एक्ट 1934 के मुताबिक कौन कौन से बैंक्स या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये CRR मेंटेन करना पड़ता है, ये पॉइंट आपके मतलब का है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, फॉरेन बैंक्स हो, RRB हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सबको क्या करना होता है, CRR को मेंटेन करना होता है। चलो ये कहानी तो हो गई CRR की, बट अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, क्योंकि चर्चा में तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है एंड जो हमारा CRR है, CRR तो ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है, बट अगर बात करें इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की तो ये एक नया टॉपिक है। तो हो सकता है कि इस बार CRR की जगह पर ICRR का क्वेश्चन आ जाए हमारे प्रीलिम्स में। तो चलो फिर हम ICRR को समझते हैं। तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमें पता है कि आपने सुना होगा कि 2000 का नोट जो है वो क्या हो गया था, 2000 का नोट हो गया था
बंद, मतलब कि अब कहा गया कि 2000 का नोट जो है वो अब मार्केट में जो है अडॉप्ट नहीं होगा, मार्केट में जो है हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा, 2000 के नोट से आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। तो उसका जो लीगल टेंडर था वो हटा दिया गया, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब इस वजह से क्या हुआ कि अब वो हम गए, जितने भी 2000 के नोट थे वो जाकर बैंक को देकर आए, ठीक है, हम गए, आप गए, आपके फ्रेंड्स गए, मेरे फ्रेंड्स गए, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स एंड जितने भी लोग थे जिसके पास भी 2000 का नोट था, भी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता अगर एक्सचेंज नहीं करते। तो हम तो जाकर क्या करके आए, बैंक के पास में वो 2000 का नोट दे आए, ठीक है, 2000 का नोट हम दे आए। बट हुआ क्या, बैंक के पास में तो एकदम से बहुत पैसा आ गया ना, बैंक के पास में बहुत सारा पैसा आ गया, तो क्या होगा कि बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा, एकदम से लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो बैंक क्या करेगी, बहुत सस्ते में लोन दे सकती थी, और फिर क्या होता, बहुत महंगाई बढ़ जाती। हमको ये चीज़ पता है ना कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो फिर उससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, और अगर बैंक के पास में ज़्यादा पैसा है तो वो सस्ते में ज़्यादा लोन्स दे पाएगी और लोगों के पास में फिर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ ना हो जाए इसलिए बैंक्स को कहा गया RBI के द्वारा कि भाई आप CRR तो मेंटेन करते ही हैं, साथ ही साथ में आप इंक्रीमेंटल CRR को भी मेंटेन करेंगे, जो बिल्कुल CRR की जैसा ही होगा, आपको पैसा जो है वो RBI के पास में मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उस पर आप ये उम्मीद मत लगाना कि इस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट किसी भी रूप में इस पर नहीं मिलेगा। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, और ये इसलिए किया गया जिससे कि महंगाई एकदम से ना बढ़ जाए, ठीक है। तो ICRR और CRR अगर क्वेश्चन में आ जाए, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने CRR को तैयार किया है वैसे ही ICRR है, बस नाम का डिफरेंस है। इंक्रीमेंटल इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया, CRR के साथ साथ इसको भी इम्पोज कर दिया है। बस इतनी चीज़ याद रखना कि ICRR RBI के पास में मेंटेन होगा और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ चलो और समझ लेते हैं, NETL को समझ ही लिया, बैंक रन क्या होता है, एक टर्म है हमारी बैंक रन, इसको समझते हैं। बैंक रन क्या है, तो जब हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो उनको ऐसा लगता है अरे बैंक कहीं डूब ना जाए, अरे बैंक बंद होने वाली है, अरे हमारा पैसा सब डूब जाएगा, उनको अगर ऐसा खतरा लगने लगता है तो वो क्या करते हैं, वो सीधे बैंक जाते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा दे दो, हमें आप पर कोई अब भरोसा नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होता है कि एकदम से बहुत सारे लोग, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, वो पहुँच रहे हैं बैंक में कि भाई हमें हमारा पैसा वापस करो, हमने जो आपके पास में अपनी सेविंग्स की है वो हमें वापस चाहिए है, जस्ट बिकॉज हमें आप पर अब कोई ट्रस्ट नहीं है, क्या पता कि आज बैंक खुली कल बैंक हो ही ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का जब ये फियर एकदम से लोगों के मन में आ जाता है, तब वो बैंक की तरफ दौड़ते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा दो, उसी को हमने बैंक रन बोला है, ठीक है। अब जो है, अब हम देखते हैं कि जो ICRR है, ये CRR के साथ साथ कैसे लगेगा, ठीक है। हमने बात की है इंक्रीमेंटल की, कि भाई CRR तो आप पर लगेगा ही, आपको ICRR भी मेंटेन करके रखना है, तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ समझो, ये तो हमें पता ही है CRR कैसे लगता है। ये देखो कि बैंक्स जो हैं उनके पास में NETL क्या है, 19th May 2023 के पास में जो उस 19th May 2023 को उनके पास में जो NETL होगा उस पर CRR लगेगा 4.5% से, ठीक है, 4.5% से CRR लगेगा। और NETL जो है उसके बाद में क्या हुआ है कि NETL बढ़ा है एकदम से, जब 2000 के नोट जो है वो वापस आए बैंक के पास में, तो 19 मई से 28 जुलाई तक जो उनके पास में एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, तो इसकी वजह से NETL जो बढ़ा है उस पर 10% का CRR लगेगा, ठीक है। और ये दोनों ही जो पैसा है वो RBI के पास में जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना बस। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि 19 मई से या 28 जुलाई तक जो है वो NETL लगेगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, एकदम से जब भाई CRR चल रहा था, SLR चल रहा था, तो एकदम से ICRR लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, चलो इस ज़रूरत को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि लिक्विडिटी बनी रहे, एकदम से हमने देखा कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी, हमने समझ
समझा ही नहीं था कि जब हमारी बैंक्स के पास में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो एकदम से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो कहेंगे अरे भैया हमारे पास बहुत पैसा है, चलो ऐसा है कि अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही तब भी हम खरीद लेंगे। इस वजह से महंगाई और बढ़ती जाएगी, जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही होगी दूसरा लोग जो होंगे अब उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो 12 रुपए खरीदेंगे, फिर तीसरा पर्सन आए वो कहेंगे 12 क्यों 15 खरीद लेंगे। इस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ती चली जाएगी। और हम देख रहे हैं कि COVID-19 के बाद हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत बना हुआ है जिसको हम कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं, राइट। तो अब ऐसा ना हो कि एकदम से और महंगाई बढ़ जाए, इसके लिए चाहिए था कि हमें जो सॉल्वेंसी है, जो लिक्विडिटी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना था, बैंक्स की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना था, और इसीलिए हम ले आए ICRR। तो पहली नीड तो ये हो गई जो कि शुरुआत से ही हम समझ रहे हैं कि हाँ ये रीजन था। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कंट्रोल। ऑब्वियसली हमने देखा ये भी यही चीज़ समझी है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा ही। बैंकिंग रिजिलियंस, अब जो है हमने जाना कि जो CRR है ये क्या करता है, बैंक्स को प्रोटेक्ट करता है ना, कि अगर बैंक के पास में कभी ऐसा होता है कि उसके पास में पैसा खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, तो ये जो बफर के तरीके से एक्ट करेगा, ये हमारा जो CRR है। इससे जो बैंक्स हैं उसमें कोई भी अगर इकोनॉमिक शॉक लगता है उसको, बैंक को कोई भी परेशानी है, बैंक जो है अगर वो लगता है कि उसको वो जो है वो कहीं बैंक इंसॉल्वेंट ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम जानते हैं कि क्या है CRR हम लेकर आए हुए हैं। तो इसी टर्म में हमने ICRR का भी यूज़ किया है जिससे कि बैंक्स और स्ट्रॉन्ग बनी रहे। फिर लैंडिंग कम करने के लिए, ऑब्वियसली जब CRR, जब बैंक्स के पास में पैसा ही नहीं होगा, एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक के पास में आया वो उसने RBI के पास में जमा कर दिया, तो बैंक के हाथ में पैसा है नहीं है। जब बैंक के हाथ में पैसा नहीं है तो बैंक से लोग पैसा लेने जाएंगे तो उनको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो मार्केट है हमारी उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ओके, आई होप अब आपको ये ICRR समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो इंडिया में स्टार्टअप्स की कहानी को अब हम समझेंगे, लेकिन क्या ये भी चर्चा में था? चलो जान लेते हैं पहले कि हाँ ये चर्चा में था या नहीं। देखो यहाँ पर कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है, इकोनॉमिक टाइम्स, फैक्टली, INC42, ठीक है, ये इस तरीके की बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट्स हैं उन्होंने इन सबको कवर किया है, स्टार्टअप्स जो है उसको कवर किया है। और इसमें कहा गया साफ साफ कि जो हमारी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा और इसके लिए रिलैक्सेशन जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है। ठीक है, चलो तो अब ये क्यों है चर्चा में? ऑब्वियसली सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स जो है उसने स्टार्टअप्स टू बेनिफिट इंडिया, इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स टू बेनिफिट इंडिया नाम से एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें स्टार्टअप्स को किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी बात की जाएगी। चलो अब ये सब स्टार्टअप्स की कहानी हम समझेंगे, क्यों हुआ चर्चा में हमने जाना, बट ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं? नाम तो बहुत सुना है, हमेशा ट्रेंड में चल रहा है भाई स्टार्टअप स्टार्टअप, हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि भाई स्टार्टअप डालूंगा मैं अपना, ठीक है, कि अपना स्टार्टअप डाल दिया है तो, बट ये होता क्या है स्टार्टअप, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं आज। अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन थी इसको लेकर तो वो आज क्लियर हो जाएगी कि भाई स्टार्टअप्स क्या होते हैं। तो स्टार्टअप्स कुछ और नहीं है, स्टार्टअप्स जो है एक कंपनी ही होती है, ठीक है, एक कंपनी ही होती है। स्टार्टअप तब कहलाई जाती है जब वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती है, मतलब स्टार्टअप्स कुछ और नहीं है, है तो कंपनी ही, बट उसका नाम स्टार्टअप तब हो जाता है जब वो कुछ क्राइटेरिया जो कि हमारे DPIIT ने सेट किए हैं उनको अगर वो मैच करती है तो हाँ वो जो कंपनी है उसको हम स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो कौन से ऐसे हमारे जो क्राइटेरिया हैं जिसको DPIIT ने रखा है उनको जान लेते हैं। पहली चीज़ कंपनी की एज कितनी होनी चाहिए, तो कहा गया है कि 10 साल से ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या कि जो कंपनी हमने जिस तारीख से स्टार्ट की है उससे लेकर 10 साल आगे तब तक वो स्टार्टअप रह सकती है। 10 साल से ज़्यादा दिन हो गए हैं कंपनी को स्टार्ट हुए तब हम क्या कहेंगे कि वो स्टार्टअप नहीं है। कंपनी का टाइप अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका स्टेटमेंट बन जाता है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी तो नहीं भाई ऐसा नहीं है,
ये जो स्टार्टअप है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है तो भाई वो स्टार्टअप नहीं होगी। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंटिटी, तो ये जो है ऐसा नहीं है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था, हमने क्या किया कि उसका बंटवारा किया, तोड़फोड़ मचाई उसमें और एक नई कंपनी उसी में से निकाल ली, तब वो स्टार्टअप नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी रिलायंस हमारा चल रहा है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, बट रिलायंस में से ही हमने क्या किया, उसमें से ही थोड़ा सा उसका एक पार्ट निकाल के उससे कहा गया कि ये जो रिलायंस का पार्ट है अब आज से ये रिलायंस नहीं बल्कि ये दूसरा हमारी कंपनी है, तो वो नहीं कहलाई जाएगी। क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस हमें पता है रिलायंस जो है अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर चल रहा है, तो अब ये रिलायंस से ही निकाल के कोई दूसरी कंपनी हम बना देंगे तो वो हमारा स्टार्टअप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेटिव होना चाहिए, ये जो काम हो रहा है वो इनोवेटिव होना चाहिए, स्टार्टअप जो हमने लगाया है वो इनोवेटिव होना चाहिए, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है। तो ये जब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम बोलेंगे कि ये जो क्या है, ये जो कंपनी है वो स्टार्टअप है। अब बात की जाए कि हमारे इंडिया में ना बहुत मेहनत चल रही है कि जो स्टार्टअप्स हैं इसको हम प्रमोट कर सकें, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है और इससे हम देख भी रहे हैं कि अब स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो भी गए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देखते हैं कि इंडिया में अब आए हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेहनत की गई है चलो जानते हैं। सबसे पहले आया था स्टार्टअप इंडिया, 2016 में ये आ गया था स्टार्टअप इंडिया, जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, एडमिनिस्टर कर रही है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है यही एडमिनिस्टर करती है किसको, स्टार्टअप्स इंडिया को, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल भी डेवलप किया है सिडबी के अंडर, ये है। तो ये पोर्टल किसके अंडर है, सिडबी के अंडर, और जो हमारे स्टार्टअप इंडिया है वो कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये तो हो गया स्टार्टअप इंडिया, कभी भी स्टार्टअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो प्रोग्राम है इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है कि फंडिंग कैसे होगी, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लेकर हम आए 2021 में, 2016 में फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम लेकर आए थे, 2022 में क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लेकर आए हम स्टार्टअप्स के लिए। फिर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लेकर आए निधि, ठीक है। निधि क्या है, ये निधि जो है नेशनल इनिशिएटिव है डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन को लेकर, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, 2016 में ये निधि बना था। फिर आईडेक्स, दैट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2018 में लेकर आए, आईडेक्स है, आईओडेक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ आईडेक्स। नेक्स्ट है मीति स्टार्टअप हब, ठीक है, ये भी हम लेकर आए हैं जिससे कि जो स्टार्टअप इसको हम और प्रमोट कर सकें, जो नए नए इनोवेशंस हैं इसको हम और हार्नेस कर सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी हम लेकर आए थे 2017 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब क्वेश्चन जब आएगा स्टार्टअप को लेकर तब आपको कुछ डेटा भी देना है जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, उसके लिए डेटा बैंक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जिसमें बताया गया है कि जो दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, तो जो कंट्रीज में स्टार्टअप्स लगे हैं उसमें थर्ड नंबर पर हमारी इंडिया है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स लगे हुए हैं, ठीक है। 2023 में लगभग 98,000 स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, ठीक है, 2016 में सिर्फ 428 थे लेकिन अब कितने हो गए, 98,000, ठीक। और जिसमें मई 2023 तक की बात करें तो लगभग 108 यूनिकॉर्न्स भी इंडिया में थे। आप बात करें स्टार्टअप्स के इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहली बात भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, लगभग 47% जो हमारे स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज किया है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की यूथ के लिए। नेक्स्ट है वीमेन एम्पावरमेंट भी होता है, लगभग जितने 47% रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उसमें क्या है कि एटलीस्ट एक तो वुमन डायरेक्टर है ही है, ठीक है, तो इससे वीमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट R&D में राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं इसमें नए आइडियाज़ होते हैं, नए इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी होती है, तो इससे R&D में भी बहुत ज़्यादा हमारा जो राइज है वो देखने को मिला। फिर उसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिविटी की, तो ये भी प्रमोट होते हुए नज़र आ रहा है, कई सारे फिनटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो रिमोट एरियाज़ में भी लग रहे हैं, जैसे कि पेटीएम की अगर हम बात करें ना, तो पेटीएम भी पहले एक स्टार्टअप ही था, बट आज अगर हम देखें तो पेटीएम कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, राइट, और नए नए इन्वेस्टमेंट्स भी इस स्टार्टअप्स में अट्रैक्ट होते हैं।
लेकिन ये स्टार्टअप जो है उसको भी चलाना इतना इजी नहीं, कई सारे चैलेंजेस आज भी बरकरार हैं। जैसे कि क्योंकि एग्रीकल्चर पे अगर हम बात करें ना, तो इस पर फोकस नहीं होता है। स्टार्टअप्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पर स्टार्टअप हो रहे हैं। जैसे हम एजुकेशन की फील्ड में स्टार्टअप्स को देख सकते हैं, हम फिनटेक में जो है स्टार्टअप को देख सकते हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें ना, टेक्नोलॉजिकल एरिया में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स लग रहे हैं, बट वहीं पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर स्टार्टअप्स जो हैं बहुत कम हैं, बहुत कम। जितने भी टोटल स्टार्टअप्स हैं ना, जिसमें हमने बात की 98,000, उसमें से सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ही काम कर रहे हैं। फिर है IPR, बहुत कम है। जितने भी एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, उसमें से सिर्फ 11% ही एप्लीकेशंस को IPR दिया गया है। तो यहाँ पर ये कमी भी बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है कि फ्लिपिंग, यानी कि जो रजिस्टरिंग हो रही है एक फॉरेन कंट्री में। भाई आइडिया यहाँ का है, स्टार्टअप यहाँ का है, बट वो रजिस्टर किसी और कंट्री में करवा ले रहा है जहाँ पर उसको टैक्स कम देना पड़े। ठीक है, तो ये जो है ये भी हम देख रहे हैं कि दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं उनका कम से कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूटिलाइज ये लोग कर नहीं रहे। स्टार्टअप जो है सिर्फ 1% स्टार्टअप्स ही ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को रिसीव किया है, और इससे क्या होता है, इनको 100% टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए स्टार्टअप्स को, बट उनको स्टार्टअप्स को जो एग्जेम्पशंस है वो मिल नहीं पा रहे हैं। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उसमें से सिर्फ 1% को ही एग्जेम्पशंस जो है वो मिल पाई हैं। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट नहीं है। स्टार्टअप्स जो है अगर मान लो कोई रिमोट एरिया में लगा भी दे तो वहाँ पर क्या है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, रोड नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, तो कहाँ से वो काम करेगा, राइट? तो ये दिक्कत अभी भी है। फंडिंग की बहुत कमी है। भाई आइडिया तो है बहुत सारी, लेकिन उसको फंड करने के लिए अभी भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो स्टार्टअप्स फंडिंग की ही जो है वो फेस करते हैं। तो ये जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसने ये सारी जो बातें बताई हैं, तो इसने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? भाई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका सुझाव भी तो देना ही पड़ता है ना। तो हाँ, इन्होंने कई सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी जो है एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिटिक्स है, इन सब का यूज़ करो, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सके, जो भी हमारे जो रिसोर्स है उसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीमन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ऐसे फंड्स लेकर आओ जहाँ पर जो बीमन हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने स्टार्टअप्स लगा रही, तो उनको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करो। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो, उसमें रिलैक्सेशन दो थोड़े, जिससे कि जो फ्लिपिंग हो रही है, जो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हमारे यूथ इन स्टार्टअप्स का, वो इंडिया में ही हो। साथ ही साथ में इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें भी हमको थोड़े से अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। ये सब हमारी जो कमेटी है उसने ये बताया है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें भाई, इसकी एक रिश्तेदार भी आ गई है। क्या है रिश्तेदार? रिश्तेदार न्यूज़ जो है वो ये है भाई कि जो ड्राफ्ट नेशनल डीप टैक्स स्टार्टअप पॉलिसी है 2023 की, वो उसका जो नेशनल डीप टैक्स स्टार्टअप पॉलिसी है उसका भी ड्राफ्ट आया है। ठीक है, तो ये डीप टैक्स स्टार्टअप होता क्या है? डीप टैक्स स्टार्टअप की बात करें तो ये एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उस एरिया में जहाँ पर अभी तक किसी ने भी रिसर्च नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नई नॉलेज को लेकर आया जाता है, अलग अलग तरीके की नॉलेज को इकट्ठी करके एक नई नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज डीप टैक स्टार्टअप। ठीक है, अच्छा, इसके की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो क्यूरियोसिटी ड्राइवन साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कि मतलब जो बहुत क्यूरियस लोग जो होते हैं ना, कई सारे लोग होते हैं बहुत क्यूरियस हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे टॉपिक्स पर जिस पर आज तक रिसर्च नहीं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स होंगे उन पर ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। IPR को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो हमारे पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली बात करें MSMEs की, स्टार्टअप्स की, कि वो ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहाँ पर कटिंग एज डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। फिर उसके बाद फ्रंटियर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये डीप टेक स्टार्टअप्स की क्या पहचान है? अगर हम पहचान की बात करें तो भाई अनसर्टेनिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज टेक्निकल या साइंटिफिक अनसर्टेनिटी यहाँ पर होती है, या तो वो सक्सीड हो सकते हैं या फिर वे फेल भी हो सकते हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ये जो है नए सोल्यूशंस लेकर आते हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग इशूज़ हैं उसमें ही वो इस तरीके से रिसर्च करते हैं कि जो अभी इश्यूज़ हैं ना उनके बहुत ही इनोवेटिव तरीके के सोल्यूशंस ये लेकर आते हैं। टाइम बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है। अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि हम एडवांस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बना सकें। फोकस रहता है साइंस एंड टेक में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSR स्पेंडिंग इन इंडिया। तो क्या ये भी न्यूज़ में था या नहीं था, चलो इसको भी कंफर्म कर ही लेते हैं। तो देखो भाई, ये भी न्यूज़ में था, जैसे कि द हिंदू जैसे हमारे बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इसको कवर किया है, ठीक है। इंडिया CSR जैसी जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इसको कवर किया है। तो अब देखते हैं भाई क्या है ये और क्यों है चर्चा में। तो CSR स्पेंडिंग डेटा जो है वो रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो क्या होता है ये CSR, ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। डेटा तो रिलीज़ हो गया बट होता क्या है ये जानो। तो CSR क्या है, एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है जहाँ पर कंपनीज जो हैं उनसे क्या बोला जाता है कि भाई दो कंपनीज बात सुनो। कंपनी कहती है हाँ भाई सुनाओ सुना। तो कहा जाता है कंपनीज तुम जो है रिसोर्सेज कहाँ पर किसके यूज़ कर रहे हो। कंपनी बोलती है सोसाइटी के। अच्छा तुम ये बताओ ये काम किसके लिए कर रहे हो। कंपनी बोलती सोसाइटी के लिए। तुम्हारी लोकेशन कहाँ पर है, भाई सोसाइटी में ही है। तुम्हारे यहाँ पर वर्कर्स कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, सोसाइटी से आता है। जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा होता है वो कौन खरीदता है, वो भी सोसाइटी ही खरीदती है। तो कहा गया कि तुम जब रिसोर्स सोसाइटी के यूज़ कर रही हो, लोग तुम्हारे यहाँ पर सोसाइटी के आ रहे हैं, तुम्हारे जो प्रॉफिट है वो भी तुम सोसाइटी से ही ले रही हो, तो एक काम करो तुमको ना अब अपने प्रॉफिट का एक थोड़ा सा परसेंट जो पैसा होगा वो तुम्हें इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ही खर्च करना होगा। और इसी को बोला गया है CSR, ठीक है। CSR क्या है आपको समझ में आया होगा, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सोसाइटी के लिए आप इतना सब कुछ तुम्हारा जो कंपनी तुम्हारा जो सब कुछ हो रहा है ना वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। अगर सोसाइटी ना हो तो तुम्हारे ना प्रोडक्ट बनेंगे, ना कोई काम करने आएगा, ना प्रॉफिट जनरेट होगा। इसीलिए सोसाइटी की तरफ भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो आइडिया है दैट इज़ नोन एज CSR, ठीक। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो कंपनीज़ है ना वो अपने आप से ही इनिशिएटिव लेती हैं। उनको ये बोला गया है कि मान लो अगर कहा गया कि 2%, ठीक है, कि 2% आपको अपना जो प्रॉफिट है वो खर्च करना है इसमें। तो यहाँ पर ये देखो ये चीज़ मेंशन भी है कि 2% अपना प्रॉफिट जो है वो खर्च करना है CSR एक्टिविटीज़ में। तो पिछले 3 साल में जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उसका 2% CSR में काम करना है। तो ये बस इतना बताया गया, लेकिन अब उनको क्या काम करना है, समाज की भलाई के लिए क्या काम करना है ये नहीं बताया गया। तो हो सकता है कि वो कोई स्कूल खोल दें, एजुकेशन की फील्ड में काम कर दें, कोई हॉस्पिटल खोल दें, या फिर प्लांट्स लगा दें, ट्रीज लगा दें, कहीं पर फॉरेस्ट डेवलप कर दें। तो ये जो काम है ये आराम से कर सकते हैं। इससे होता ये है कि जो कंपनीज़ हैं उनकी खुद की भाई जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होती है कि अरे भाई ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। तो ऐसे उनकी इमेज भी अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ में जो लोग हैं उनकी भी भलाई हो जाती है। जैसे कि आप लोग ऐड देखते हो ना, ऐसे कई सारे ऐड आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारा जो सेल होगी एक बोतल, मान लो कहा जाता है जैसे ऑयल की, देखते हेयर ऑयल का बहुत ज़्यादा ऐसा आता है कि ये जो हेयर ऑयल की अगर आप एक बोतल खरीदते हो तो इसमें से जो 1% जो पैसा होगा वो हम एजुकेशन की फील्ड में खर्च करेंगे। कि आप एक हेयर ऑयल ये खरीद रहे हो तो इसका मतलब आप एक बच्चे के एजुकेशन को अफोर्ड कर रहे हो। इस तरीके की जो ऐड हम देखते हैं वो यही होता है, वो CSR ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो लोग जो पैसा होगा प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट एजुकेशन की फील्ड में खर्च करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है CSR की स्पेंडिंग में। तो अभी अगर हम बात करें 2014 से अगर हम कंपेयर आज करते हैं तो लगभग 150% से इंक्रीज हुआ है CSR में। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है CSR में स्पेंड कर रही हैं, ठीक है। स्पेंडिंग इन्वायरमेंट सेक्टर में डबल हो गई क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी हर फील्ड में, लाइफ के हर एरिया में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हमको इम्पैक्ट कर रहा है। और इसीलिए इन्वायरमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्पेंडिंग है वो हो रही है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्ट हुए हैं CSR की फील्ड में। फिर है स्पेंडिंग जो सैनिटेशन पे, जैसे कि क्लीन गंगा फंड के जरिए, ड्रिंकिंग वाटर, स्लम एरिया डेवलपमेंट के जरिए जो है सैनिटेशन पे भी खर्च जो है वो बढ़ा है। 29.5% एंड 24.5% टोटल स्पेंडिंग होती है वो हेल्थ और एजुकेशन पे हो रही है। बात करें हेल्थ की तो 29.5% स्पेंडिंग हुई है और एजुकेशन की तो 24.5% जो स्पेंडिंग है वो हुई है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी की जो अगर हम बात करते हैं तो 1% मतलब 0.1% भी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हमारा टॉपिक है कि भाई टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा खर्च होना चाहिए।
तो CSR स्पेंडिंग जो है हमने देखा कि भाई समाज की भलाई के लिए कंपनीज काम कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या कोई इशू आ सकता है? आ नहीं सकता है, ऑलरेडी कई सारे इशूज हैं। जैसे कि पहली बात कि प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है, कंपनीज को बोला गया है कि आपको CSR जो है वो स्पेंड करना है, ठीक है, अब वो अपने तरीके से उसको स्पेंड कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई भी उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, ढंग से उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा कि क्या वो ढंग से उसको स्पेंड कर भी रही या नहीं। उन्होंने कह दिया कि हमने 10 पेड़ लगाए हैं, बट किसी ने जाकर उसको क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या उन्होंने 10 पेड़ लगाए भी हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 8 पेड़ लगा दिए हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी लायबिलिटी को अवॉइड करने पर फोकस किया जाता है। जो कंपनीज है ना वो अपने मन से काम नहीं कर रही हैं कि हमको भाई यहाँ पर गरीबी हटानी है, कि लोगों को एजुकेशन पहुँचानी है, हेल्थ उनकी इम्प्रूव करनी, नहीं, वो बस खाना पूर्ति कर रही हैं कि भाई ऐसा है कि हमें 2% खर्च करना है, चलो हमें CSR की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ख़त्म करना है, अरे खर्च कर दो, होगा सो होगा, हमें नहीं मतलब है कि लोगों की हेल्थ सुधरी या नहीं सुधरी, हमने तो हेल्थ पर पैसा खर्च किया, बस इस तरीके का उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल बायस भी देखने को मिलता है। कंपनीज जो अपने फंड ऐसे एरिया में डेवलप कर ऐसे एरिया में खर्च कर रही हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी 10 स्कूल है, वहाँ पर अगर आप एक स्कूल और खोल दोगे तो क्या फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर खोलो ना जहाँ पर 10 किलोमीटर आसपास भी कोई स्कूल ही नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्पेंडिंग काफ़ी कम है अभी भी, ठीक है। 100 लार्जेस्ट कंपनीज हमारी कंट्री की हैं, उसमें से 52 ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक ये जो CSR है उसको 2% से भी कम खर्च नहीं किया है, मतलब 2% भी खर्च नहीं किया है, 2% से कम तक खर्च नहीं किया है, खर्च कर ही नहीं रहे हैं, तो अभी ये भी काम है। फिर CSR एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाया ही नहीं जाता। भाई अगर आपको पैसा खर्च करना है, लोगों से पूछो कि आपको किस बात की दिक्कत है, और जो दिक्कत है उसको ख़त्म करने के लिए खर्च करो ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनीज़ का मन हुआ कि अरे एजुकेशन की फील्ड में पैसा खर्च करना है, एजुकेशन की फील्ड में खर्च कर दिया, ठीक है। एक सोसाइटी में 10 स्कूल थे बट एक हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल एक भी नहीं है, 10 स्कूल है, और आपने वहाँ पर एक स्कूल और बना दिया, क्या कोई फ़ायदा करा वहाँ पर? नहीं, उनको ज़रूरत तो हॉस्पिटल की थी, है ना, लेकिन हॉस्पिटल नहीं दिया आपने, आपने एक और स्कूल दे दिया, तो इससे ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में वेल ऑर्गेनाइज NGO भी नहीं है, तो इसकी भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तो रहा हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम SHGs भी बोलते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो GS2 है आपका, उसमें पॉलिटी और उसमें आपको NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इस तरीके के टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। बट अब आपको इग्नोर नहीं करना, ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको नोट डाउन करने हैं, और जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आएगा तो आपको वो पॉइंट्स तुरंत लिख देने हैं उसमें, ठीक है। ये काम आपका है, आपको करना है फटाफट से। चलो पैन वैन तो तैयार कर ही लिया होगा, अब चलो स्टार्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से हम देख लेते हैं कि ये भी न्यूज़ में थे या नहीं थे। ऑब्वियसली थे, देखो ये देखो दिख रहा है हमें, दिख रहा है कि हाँ भाई न्यूज़ में तो है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे PM दिख रहे हैं, तो मतलब कोई अच्छी चीज़ है, मतलब इम्पॉर्टेंट, नेशनल लेवल की इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ है। चलो देखते हैं क्या। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक टाइम्स में ये कवर हुआ है, पहली बात तो डेक्कन हेराल्ड में भी हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि 2 करोड़ वीमन को हम ट्रेन करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अंडर दी लखपति दीदी स्कीम, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा है, ठीक है। 2 करोड़ वीमन को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, इतना तो यहाँ समझ में आता। आप डिटेल में और इसको देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चलो जानते हैं। तो हमारी सरकार, अभी हमने देखा हमारे PM के फोटो देखा ही था, तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो है वो उसने अनाउंस किया है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी 2 करोड़ वीमन को, किस स्कीम के अंडर, लखपति दीदी स्कीम के अंडर, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर सकती हैं। अब ये चीज़ तो हमारी होगी न्यूज़ वाली, बट अब हमको क्या करना है, इसकी डीप एनालिसिस करनी है, जानना है कि ये लखपति दीदी स्कीम है क्या। चलो जान लेते हैं। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन जो हैं उनको इनेबल किया जाए कि वो लगभग हर साल 1 लाख रुपए तो अर्न कर ही लें खुद की, ठीक है। 2021 में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था लखपति SHG वीमेन इनिशिएटिव,
जो कि वीमन लेड डेवलपमेंट अप्रोच रखता है और इसी के आधार पर हमने नेशनल लेवल पर भी ये स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर होंगी, तो इसमें वीमन जो है उनको ट्रेन किया जाएगा, जैसे प्लम्बिंग में, LED बल्ब की मेकिंग में, या फिर जो ड्रोन है उनको बनाना सिखाया जाएगा, उनको रिपेयर करना सिखाया जाएगा, इस तरीके के काम उनको सिखाए जाएंगे। अब ये जो सेल्फ हेल्प ये चीज़ ये है आपको जो लिख कर रखना है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला हमारा टॉपिक कवर हो रहा है यहाँ से, दूसरी चीज़ वीमन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है, और जो इश्यूज वीमन फेस करती है वो चीज़ भी इसमें आप कोट कर सकते हो, वीमन को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं तो उसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ से आपको इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, या फिर इसको नोट डाउन करके लिख लेना, जिससे कि आपको बस मेन मुद्दा ये है कि जब भी वुमेन का क्वेश्चन आता है और एम्पावरमेंट की बात की जाएगी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज़ समझ में आई। अब हमें देखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो वुमेन को कैसे एम्पावर करते हैं। तो पहले बात तो उनकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी करते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले बात उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को लेकर आ रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर खुद बन पा रही हैं। अब वो जो है अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने सन, इनके अर्निंग पर डिपेंड नहीं है। उनको अगर 10 रुपये चाहिए तो वो अपने बेटे से नहीं कहेंगी बेटा हमें 10 रुपये दे दो, नहीं, अपने फादर से नहीं कहेंगी पापा मुझे 10 रुपये चाहिए, नहीं वो डिमांड करेंगी, क्योंकि अब वो खुद कमाएंगी, ठीक है, और जो खुद की कमाई है उसका तो मज़ा ही और है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। जो रूरल वीमेन है, हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो रूरल क्या अर्बन एरिया में भी हम देखें, इवन हमें अपने घर में भी एग्जांपल देखने को मिल ही जाएंगे कि जो ज़्यादातर वीमन जो है ना वो किस पर, जो मेल्स होते हैं ना फैमिली के मेल, उनकी ही अर्निंग पर डिपेंड हैं, ठीक है। उनको अगर 5 रुपये की भी चीज़ चाहिए ना तो उनको 5 रुपये भी मांगने पड़ते हैं कि हमको 5 रुपये की ये चीज़ चाहिए है। और अगर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो सबसे बड़ी वीकनेस वो इसी चीज़ को देखती है, राइट। बहुत सारी वीमन हमारी इंडिया में ऐसी हैं, इंडिया में क्या ओवर द वर्ल्ड हम बात कर लें, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों को भी फेस कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास में ऑप्शन नहीं होता। उनको लगता है कि अगर हमने ये घर छोड़ भी दिया, ठीक है, अगर हमने इस फैमिली को छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ, कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमें पैसा कमाना नहीं आता, राइट। तो इस वजह से वो क्या करती हैं, वायलेंस को भी झेल रही होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इससे क्या हो रहा है, यही तो है कि वीमन एम्पावर नहीं हो रही है। तो इसी को हमें अब ख़त्म करना है, जो वीमन से रिलेटेड जितनी भी सारे इश्यूज़ हैं वो सब ख़त्म हो सकते हैं अगर हमारी वीमन खुद एम्पावर हो जाएं। और सबसे बड़ा जो रोल पावर उनको एम्पावरमेंट के लिए है वो है कि उनकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको बनाना है। तो उसी चीज़ को लेकर हमारी ये जो स्कीम है काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। तो यहीं पर कहा गया है कि जो रूरल वीमन हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि आप जो है एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करो भाई, पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। उनको फाइनेंस भी दिया जाएगा, क्योंकि अब उनको स्टार्ट करना है अगर कोई भी बिजनेस तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आएगा यहाँ से, माइक्रो लोन्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा वीमन का। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अब इससे क्या होगा कि उनको जब वो पैसा कमाएंगी तो इकोनॉमिक स्फीयर में तो अब वो हो गई एम्पावर्ड। अब बात करते हैं सोशल स्फीयर में, तो स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स जो हैं उसमें वो कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा, ठीक है। लोकल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे सोशल कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन वीमन का होगा। उनकी पोजिशन भी इन्हांस्ड होगी। अगर हम जैसे बात करते हैं तो अगर वो एक वीमन जो है, दो वीमन की अगर हम बात करते हैं, एक जो है जॉब करती है और एक वीमन ऐसी है जो जॉब नहीं करती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जॉब भी नहीं करती, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो जॉब कर रही, जो पढ़ी लिखी है, जो पैसा कमा रही ना, उसको रेस्पेक्ट मिल जाएगा, नेचुरली उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल जाएगा, उसकी फैमिली में भी उसको रेस्पेक्ट मिल जाएगा, उसके बच्चे भी उसको रेस्पेक्ट देंगे। बट जो वीमन अभी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो पैसा भी नहीं कमा रही है, तो उसको लोग रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते। ये जो है हार्श रियलिटी है आज की। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो सोशल स्टैंडिंग है वो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्फीयर। हम देखते हैं कि जब वो अपने राइट्स के लिए प्रेशर ग्रुप्स बना सकती हैं, अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकती हैं, और इस वजह से क्या होगा, पॉलिटी में भी एक अलग ही चेंज आ जाएगा। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना, ये भी कई सारे चैलेंजेस, कई सारे इश्यूज़ को फेस करते हैं, जैसे कि फाइनेंस में ही सबसे पहली चीज़ तो उनके पास में पैसा ही नहीं होता। आइडिया है, काम करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस भी है, विल पावर भी है, सब कुछ है, बट पैसा नहीं,
बिना पैसे कैसे काम करें, सबसे बड़ी दिक्कत। फिर कॉपरेशन नहीं होता क्योंकि उसमें मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट। तो अब इसमें कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये काम करना चाहिए, दूसरे कह रहे नहीं नहीं ये काम नहीं, दूसरा काम करते हैं, इस वजह से भी इनके बीच में कॉपरेशन नहीं हो पाता है। पैट्रियार्की का अभी भी प्रिवेलेंस है, ठीक है। बीमन जो है उनको कहा जा रहा है कि तुम मेंबरशिप ले लो लेकिन उस ग्रुप में काम हम करेंगे। इवन ये क्या, अगर हम देखें तो कई सारे म्यूनिसपालिटीज़ की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, वो कैसे होती हैं कि वो बीमन के नाम पर लड़ते रहे हैं, बीमन का नाम लगा है और वो नाम है कि हाँ भाई चेयरमैन यहाँ पर, ये एक बीमन है, बट हम देखते हैं कि जो सारे काम करने होते हैं ना वो उनके हस्बैंड कर रहे होते हैं। सरपंच की बात करो, सरपंच हैं तो बीमन लेकिन काम कौन कर रहे हैं, उनके हस्बैंड कर रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर कौन है, बीमन है, बट काम कौन कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर उनके हस्बैंड ये सारे काम उनके देख रहे हैं। तो इस वजह से वो तो वहीं रह गई ना जहाँ पर वो थी, ठीक है। वो तो उनका तो कोई एम्पावरमेंट हो ही नहीं पाया, सारे काम उनके घर के मेल्स ने ही जो है संभाल लिए, उनको कभी घर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर है डेफिनेशन जो है वो लिमिटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कहा गया कि 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। मार्केटिंग इनकी बहुत पुअर होती है। आप ही बताओ कि अपने आसपास आपके यहाँ पर कई कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे बट उनमें से कितनों के नाम आपको पता है, बहुत कम, एक या दो के पता होंगे, अगर पता भी हुए तो, वरना हो सकता है पता भी ना हो, राइट। तो यानी कि इनकी मार्केटिंग बहुत कम होती है। वहीं पर अगर आप रिलायंस की बात कर लेते हैं, एयरटेल की बात कर लेते हैं, आप जो है लक्स की बात कर लो, आप बात कर लो डेटॉल की बात कर लो, जो इनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हाई है ना कि आप हर दिन दिन में कम से कम 20 बार इनके नाम सुन लेते हो। 20 तो बहुत कम कह दिया, बहुत बार नाम हम इनके सुनते हैं। तो इनकी मार्केटिंग इतनी हाई लेवल की कि बच्चे बच्चे को नाम पता है, इवन उनके एडवर्टीजमेंट की जो टैगलाइंस होती हैं वो भी बच्चों को पता होती हैं, राइट। तो यही फ़र्क है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो मार्केटिंग बहुत पुअर कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए पैसा ही नहीं है कि वो मार्केटिंग कर पाएँ, इसलिए लोग उनके बारे में जानते नहीं। वह जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को उनका नाम पता है, फिर ठीक है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फेस करते हैं। मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं कि इनको भी हम प्रमोट कर सकें, तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेकर आए 1992 में, ठीक है, और दैट इज़ नाबार्ड लेकर आया था, नाबार्ड ये लेकर आया जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ में लिंक करने का काम किया गया। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, 2011 में लेकर आया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। यहाँ पर रूरल पुअर वीमेन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना था। नेक्स्ट है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है, ये सब स्कीम है इसी वाले ग्रुप के प्रोग्राम के अंडर 2016 में, जिसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वीमेन की उनको नॉन फार्म सेक्टर्स में भी लेकर जाया गया था। फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 में, ये भी इसी के सब स्कीम है, ठीक है, और इसमें कहा गया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वीमन की वो इंक्रीज की जाए एग्रीकल्चर की फील्ड में। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी इसी मेजर प्रोग्राम का पार्ट है, 2014 में आया था, जिसमें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ हैं 15 से 35 साल के, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डीबीटी। डीबीटी बहुत पहले से हम इसके बारे में सुनते आए हैं और इसके बारे में हम जानते भी हैं, बट अभी क्यों है चर्चा में, चलो ये जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है, जो हमारी एबीपी लाइव जो वेबसाइट है और चैनल है उसने इसको कवर किया है, न्यूज़ 18 ने भी इसको कवर किया है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी ये कवर हुआ है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी सरकार है उसने 2.73 लाख करोड़ रुपए जो हैं पिछले 9 साल में बचाए हैं डीबीटी के जरिए। अगर डीबीटी ना होता तो सरकार का इतना जो पैसा है वो बच नहीं पाता, ठीक है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में है। तो अब जान लेते हैं, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि 2.73 लाख करोड़ रुपए जो है वो बचा है 2014 से 2023 में, क्यों, क्योंकि डीबीटी को अपनाया गया। तो अब ये मतलब डीबीटी है तो अच्छी चीज़ क्योंकि इतना पैसा बचा है हमारी सरकार का जो कि अब किसी अच्छे काम में यूज़ हो सकता है। तो ये डीबीटी क्या है इसको जान लेते हैं। डीबीटी का काम ये है कि हमको ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, और जो हम देखते हैं कि सरकार, जैसे किसी ने बोला है कि सरकार जो है अगर मान लो 10 रुपये किसी लोग 100 रुपये अगर किसी भी पर्सन को पहुंचाना चाह रही है केंद्र सरकार, तो वो आते 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 उसको 1 रुपये ही पहुंच पाता है, बीच में जो है करप्शन की वजह से वो पैसा
लोग अपने कमीशन के तौर पर काट ले रहे हैं और पैसा आ कितना रहा है, सिर्फ 1 रुपये। अब इसके पास तो 1 ही रुपया आ रहा है ना, ये तो कहेगा सरकार ने 1 रुपये दिया, बट सरकार ने कितने दिए थे, 100 रुपये। तो ये चीज़ यहाँ पर इसी चीज़ को कहा गया कि सरकार 100 दे रही है तो लोगों के पास में 100 ही जाएँ। ये काम करता है DBT, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और इसका DBT का यूज़ हर किसी को मिल रहा है, इसका बेनिफिट हर किसी को मिल रहा है, ठीक है, आपको, मुझे या फिर हमारे फ्रेंड्स फैमिली, हर कोई जो है DBT का बेनिफिट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी तरीके से उसको मिल ही जा रहा है, राइट। कभी हम देखते हैं कि सब्सिडी आ गई है, कभी हम देखते हैं कि किसी कोई बेनिफिट का जो फंड है वो आया है, तो DBT के जरिए ही अब आ रहे हैं, राइट। तो ये 2013 में ये जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आया था, 2014 में पूरी कंट्री में DBT लागू हो चुका था। DBT मिशन के अंडर ये चलता है और ये जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो इसको देखभाल करते हैं, इसकी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया कि आधार तो भी चाहिए होगा, आधार जो है मैंडेटरी नहीं है DBT स्कीम्स के लिए। अगर मतलब अगर कोई आपसे कह रहा है कि DBT की बेनिफिट चाहिए तो आधार तो लेकर आओ, आधार नहीं आपके पास में, आधार खो गया है तो फिर DBT का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई DBT के लिए आधार जो है मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आधार जो है एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, इसलिए हम बेनिफिट्स जो बेनिफिशियरी हैं उसको टारगेट कर पाते हैं, इसलिए प्रेफर तो किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आधार नहीं है तो आपको ये बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ प्रेफरेंस जरूर दी जाती है आधार के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है DBT कौन कौन देता है, DBT के लिए देने के लिए किस किस की जरूरत होती है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जन धन आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी की जरूरत होती है, ठीक है, कि मतलब लोग चाहिए हैं, फिर जो हमको फंड अगर देना है तो फंड भी तो चाहिए, यानी पैसा चाहिए और आधार चाहिए है, मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी DBT हो पाएगा टाइमली मैनर में। फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कि जैसे कि अगर हमको डिस्पर्स करना है तो साथ में बैंक्स की ज़रूरत होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो ये सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी। फिर पेमेंट बैंक्स चाहिए होंगे, मोबाइल मनी चाहिए होगा, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी DBT के लिए। अब इसका स्कोप अगर हम देखें तो कैश ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे MGNREGA में हम देखते हैं। फिर है कि इनकाइंड ट्रांसफ़र हो सकता है, कि सरकार इंडिविजुअल को दे सकता है किसी इंटरमीडिएट एजेंसी के जरिए, जैसे कि PDS में हम देखते हैं कि हमको मिलता है ना, PDS में राशन मिलते हैं। फिर दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो DBT में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी के फॉर्म में ही हो, ठीक है, काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं PDS में राशन मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ऑब्वियसली कि बहुत ही जल्दी से फंड जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, करप्शन कम हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, मॉनिटरिंग हम अच्छे से कर पाते हैं, सिटीजन जो है उनको बेनिफिट अच्छे मिल पा रहे हैं, तो इससे वो भी एम्पावर हो गए हैं। लेकिन इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस हैं। सबसे पहली चैलेंज तो यही है कि बेनिफिशरीज जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर यही हो रहा है कि जिसको बेनिफिट चाहिए उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, बट जिनको बेनिफिट नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इसके बेनिफिट ले रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो कैग हैं हमारे, उन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स रिलीज़ की थी, जिससे पता चला था कि कई सारे फंड जो हैं वो उन लोगों के नाम पर रिलीज़ हो गए हैं और निकाले भी गए हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, राइट। तो उसमें हमने देखा था कुछ स्कीम्स के नाम दिए गए थे जिसमें ऐसा हुआ था कि डेड पर्सन थे बट उनके नाम पर फंड निकाले गए हैं। फिर हमने देखा कि कई सारे ऐसे जो हैं फेक आधार लगाए गए हैं, फेक नंबर लगाए गए हैं कि एक नंबर पर 100 से ज़्यादा अकाउंट्स जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई थी, ठीक है। फिर है कि कंप्लायंस जो है और इस तरीके से इसको ऑपरेशन में लाना काफ़ी ज़्यादा मिसमैच यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं ना कि आधार जो है, आधार से रिलेटेड जो अगर उनको पैसा निकालना है तो उनको फिंगरप्रिंट देने होते हैं, तो लेकिन फिंगरप्रिंट उनके काम नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है कभी मतलब बहुत बूढ़े हो गए हैं, या फिर वो इस तरीके काम करते हैं कि उनकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो हट गई हैं, ठीक है, या फिर उनको कभी चोट लग गई है तो उस वजह से फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं मैच हो पा रही हैं, तो इस वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, या फिर ट्रेनिंग नहीं है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो नाम गलत कर दे रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट गलत लगा दे रहे हैं। इस वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि लोग जो हैं इसको DBT का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लो है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं उनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर आधार कार्ड नहीं है, या फिर उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ पर इंक्लूजन नहीं हो पाया। फिर डिजिटल डिवाइड और इलिटरेसी, क्योंकि हमने देखा कि
जो पुअरेस्ट हैं, पुअरेस्ट 20% हाउस होल्ड्स में से सिर्फ 2.7% ही ऐसे हैं जिनके पास में कोई कंप्यूटर है या फिर जो कंप्यूटर की फैसिलिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। तो जब जब आसपास कंप्यूटर है नहीं, इंटरनेट है नहीं, तो लोग वहाँ पर डिजिटल कैसे हो पाएंगे, राइट? तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चैलेंजेस में आप लिख सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्यों है चर्चा में, चलो पहले देख लेते हैं चर्चा में है भी कि नहीं है। है चर्चा में है, देखो क्यों है। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा आता है ना, इस पर कई भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे और इसीलिए ये जो है बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो अभी कहा यह गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने एक ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, नाम है जिसका नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बढ़ाएगी, जिससे कि जो डेटा है कलेक्ट होता है, डेटा को डिसेमिनेट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको हम मैनुअली नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेल्प से करेंगे। उसके लिए जो पॉलिसी है वो बनाई गई है। ठीक है, और जो हमारा यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसको रीइंफोर्स हम इंडिया में कर पाएंगे। अडॉप्ट हमने इसको 2016 में ही कर लिया था। इसमें कहा गया कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, वो डेटा होता है जो हमारी सरकारी एजेंसीज ने क्या किया हो, ड्राइव किया हो स्टैटिस्टिकल सर्वे करने के बाद में, उसको एनालाइज करने के बाद में, और उसको रेगुलरली पब्लिश करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें पता चल सकता है, अभी हम सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे इंडिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अभी जो है अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गिग वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ना कि कहाँ से आती हैं, ये जो है हमने जैसे सेंसस किया, सेंसस का जो हमारा सेंसस का जो डेटा है उसको एनालाइज किया, अलग अलग कैटेगरी में उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने कैटेगराइज करा, तो उस वजह से ये चीज़ें हमें पता चल पाती हैं। टोटल पॉपुलेशन इंडिया कितनी है ये भी हमें पता चल पाती है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो ये जो डेटा पब्लिश होता है ना इसको हम बोलते हैं क्या, ये है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये हमारी सरकारी एजेंसीज ये एनालाइज करने के बाद में पब्लिश करती हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा है उसका स्टेटस क्या है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल देखें तो यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इंडिया में वो डिवाइडेड है, यूनियन मिनिस्ट्रीज और जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में डिवाइडेड है। यूनियन मिनिस्ट्रीज में ये कैसे डिवाइडेड, लेटरली, और वर्टिकली डिवाइडेड है सेंटर एंड स्टेट्स में। ये नेशनल लेवल पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम मॉस्पी बोलते हैं वो नोडल एजेंसी है, वो ही ये सारा डेटा देखती है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम रोल की बात करें तो स्टेट्स में क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग टॉपिक्स पर डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करें तो ये 2006 में बनी थी जो कि एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, तो आपको पता होना चाहिए जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पर बनी थी, तो सी रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये कमीशन बनी थी। ठीक है, और ये बात करी जाए कि जो स्टैटिस्टिक्स है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना ये कहाँ पर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन लिस्ट में भी आता है और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है। ठीक है, अब ये जो हमारी नई पॉलिसी है स्टैटिस्टिक्स को लेकर, इसकी क्या नीड थी, क्यों हम लेकर आए हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, चलो जानते हैं। सबसे पहली बात, डेटा जो हमें मिलता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं एक पर्टिकुलर डेटा की भी अलग अलग डेटा मिल रहे हैं। अगर हमने सर्च किया कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है तो उसमें भी 2-3 डेटा हमें अलग अलग मिल जाएंगे, तो ऐसा ना हो, डेटा जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, इसके लिए चाहिए कि हमें ये एक ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए डेटा को लेकर। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हैं कि इंडिया अब डिजिटल हो रहा है तो डेटा को भी डिजिटल होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम जैसे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का भी इसमें यूज़ करेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है डेटा पर होना चाहिए, जो सरकार डेटा दे रही है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस भी लेकर आना है, इसके लिए चाहिए कि डेटा जो है एक्यूरेट हो, और इसके लिए एक पॉलिसी चाहिए थी जो कि हम लेकर आए हैं। ये नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हमें अब कोर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, तो वो डेटा जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। ठीक है, हर सरकार को ज़रूरी होता है कि वो वैसा डेटा कलेक्ट करे और उसको डिसिमिनेट करे, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करे, लोगों के पास में पहुँचाए उस डेटा को। ठीक है, प्रेस्क्राइब डेफिनेशंस
कंसेप्ट्स स्टैंडर्ड्स जो है उनके अंडर वो डेटा कवर होना चाहिए। पीरियडिकली इसको अपडेट भी करना है और हर लेवल पर उसको प्रोवाइड भी करना है। कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस पॉलिसी में नए, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम को बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको मॉस्पी के द्वारा लीड किया जाएगा, जो कि अलग अलग डेटा को एक जगह पर लिंक करने का काम करेगा, ठीक है। फिर डिजिटल वेयर हाउस भी बनाया जाएगा, जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हम डेटा वेयर हाउस बनाएंगे। जैसे कि हम जो हमारा अगर बात करें कोई गुड्स हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमने वूलन क्लोथ्स बनाए हैं, बट हमको पता है वो वूलन क्लोथ्स समर में तो पहने नहीं जाएंगे, तो उनको हम स्टोर करके रख लेते हैं ना, तो जब उनकी ज़रूरत होती है सर्दियों में, तब उस स्टोर्ड जो हमारे क्लोथ्स हैं वूलन क्लोथ्स, उनको मार्केट में उतारते हैं और मार्केट में फिर वो बिकते हैं, बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम समर में ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब सर्दी आ गई अब बनाना शुरू करो स्वेटर्स, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो ऐसे ही डेटा को जब हमने कलेक्ट किया तो बहुत सारा डेटा होगा, उसको स्टोर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, तो इसके लिए हम डेटा वेयर हाउस बनाएंगे। नेक्स्ट है कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो जो की स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे GDP है, प्राइस इंडेक्सेस है, SDG है, इनसे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और 8 डोमेन्स में ये जो कोर स्टैटिस्टिक्स है इसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनोवेशन ऑन सर्वे, जो सर्वे हम करते हैं उसमें भी हम अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखाकर, इनोवेशन दिखाकर डेटा का यूज़ कर सर्वे करेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी क्वालिटी है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की, उसको भी और इम्प्रूव करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बढ़ाएंगे, जैसे हम देखते हैं कि कई सारी एजेंसीज हैं वो सिमिलर जो सर्वे है वो कर रही है, तो इसके जगह पर क्या हो कि एक एजेंसी एक सर्वे करे, दूसरी एजेंसी दूसरे तरीके का सर्वे कर ले, तो इससे जो हमारा डबल जो काम हो जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल्स की कैपेसिटी को भी डेवलप किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्या है, चलो इसको भी जान लेते हैं। लेकिन ये चर्चा में था या नहीं था, न्यूज़ में है कि ऐसे ही कहीं से भी उठा के टॉपिक को छाप दिया है, वही न्यूज़ में था। देखो द हिंदू में एक्सप्लेन पेज पर ये है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्सप्लेन पेज पर है। ET ऑटो पे भी है और जो BQ प्राइम उसने भी इसको कवर किया है, चलो फिर जानते हैं इसको। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हैं, उन्होंने अपनी खुद की स्टार रेटिंग सिस्टम जो है व्हीकल्स के लिए वो लॉन्च कर दी है, जिससे कि जो अगर सेफ जो कोलिजन हो जाता है, दो कार अगर आपस में टकरा गए, दो व्हीकल टकरा गए, तो कितनी उसमें सेफ्टी है, इसको बेसिस पर स्टार रेटिंग सब व्हीकल्स को मिलेंगी, ठीक है। और ये अब इंडिया का खुद का स्टार रेटिंग सिस्टम होगा, इससे इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने व्हीकल्स को इंडिया में ही टेस्ट करवा पाएंगे और इवेल्युएट करवा पाएंगे 5-स्टार रेटिंग स्केल पर, ठीक है। अब जो है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 जो है, इसमें ओवरऑल असेसमेंट होता है, ठीक है, जो व्हीकल है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे, किस तरीके से असेस किया जाएगा, वो सारे प्रोटोकॉल्स इसमें कवर्ड होते हैं, ठीक है। और ये मॉडल किस पे किया गया है, तो जो इंडिया का स्टार रेटिंग सिस्टम है वो हमारा ग्लोबल जो स्टार रेटिंग सिस्टम है उसी के बेसिस पर इसको तैयार किया गया है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है उसी के बेसिस पर हमने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को तैयार किया है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो किस किस पर ये अप्लाई होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी व्हीकल्स, ठीक है, ऐसी व्हीकल्स जिसमें 8 से ज़्यादा सीट ना हो, मतलब कि 8 सीट और एक ड्राइवर की सीट, इतनी बड़ी व्हीकल पर ही ये लॉ जो है, ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये अप्लाई होगा, ठीक है। और उस व्हीकल का वजन जो है वो 3500 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो व्हीकल चाहे तो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई हो या फिर वो इंडिया में बेची जा रही हो, दोनों ही कैटेगरी में ये व्हीकल इंडिया में टेस्ट हो सकती है। कंबंशन इंजन व्हीकल जो है, साथ साथ में CNG व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये सारी की सारी तरीके की व्हीकल्स इंडिया में टेस्ट हो सकती हैं। टेस्टिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या क्या देखेगा, तो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन, मतलब जो अडल्ट है उसकी कितनी प्रोडक्शन इसमें मिलेगी, चाइल्ड की कितनी प्रोडक्शन मिलेगी, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज कितनी इसमें फिट की गई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें टेस्ट की जाएंगी, ठीक है।
फ्रंट से टक्कर मार के देखी जाए कि फ्रंट पे अगर टक्कर लगती है उस व्हीकल की तो कितना डैमेज होगा, साइड पर, कोने पर, हर तरीके से टक्कर मार के उस गाड़ी में देखा जाएगा कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन ये भी है कि जो पोल इम्पैक्ट है, मतलब अगर किसी खंभे से जाकर वो गाड़ी टकरा जाती है तो वो क्या इम्पैक्ट डालता है इस पर, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट उन कार पर होगा जिनकी अगर जो ये जिनकी 3 स्टार से ज़्यादा रेटिंग होती है उन कार पर ये पोल टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग किस तरीके से होगा, तो भैया ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो टेस्टिंग है ये वॉलंटरी है, ठीक है। जिन भी गाड़ी बनाने वालों कंपनी को लगता है कि भाई हमको ये टेस्टिंग करानी है वो टेस्टिंग कराएंगे, किसी पर कंपल्शन नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ बस आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की और इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर हम एक बार मैच करें, देखो ये पहली बात ये चीज़ आपको याद तो करनी नहीं है कि पता चले आप रटने बैठ जाओ, रटना नहीं है, बट हाँ हम एक बार पढ़ सकते हैं कि जैसे फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट तो ग्लोबल में भी होता है और इंडिया में भी होता है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट इंडिया में भी है ग्लोबल में भी है, पोल इम्पैक्ट टेस्ट इंडिया में भी है ग्लोबल लेवल पर भी है, फिर है हमारा विप्लैश टेस्ट इंडिया में नहीं होता बट ग्लोबल लेवल पर होता है, AOP COP और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है ग्लोबल पर भी है। लेकिन अगर बात करें पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी कि भैया गाड़ी चल रही है पड़ोस में कोई पैदल पैदल जा रहा है तो उसको सेफ्टी मिलेगी या नहीं, वो इंडिया में नहीं है बट ग्लोबल पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो भैया रोड की सेफ्टी जो है हमें पता है कि रोड एक्सीडेंट हम अगर देखें तो अगर अपने घर से आप 20 किलोमीटर भी जाएंगे ना तब भी रास्ते में एक ना एक एक्सीडेंट आपको मिल जाता है कि भैया हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कार पलटी हुई मिल जाएगी, कोई ट्रक जो है वो कहीं पर पलटा हुआ मिल जाएगा, किसी की बाइक जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई मिल सकती है, तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स हम देखते रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट जो है इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हम इसमें यूज़ कर पाएंगे, कॉस्ट सेव हो जाएगी और इससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट इकोनॉमी का, क्योंकि हम जानते हैं इस बार की जो मैगजीन है काफ़ी ज़्यादा बल्की आई है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए हमको कई सारे पार्ट्स में इसको कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप जितना भी आज पढ़ा है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बूस्टअप हुआ होगा और ये जो नई अप्रोच हमने लेकर आए हैं वो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको कवर करेंगे और कल इकोनॉमी वाला पार्ट हमारा कम्प्लीट हो जाएगा।